व्यूअर्स, रिजवान रशीद फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अपना वादा था, हक और सच जो है हम आप तक पहुँचाए। आज जो है हम मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स आई एफ पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन राव अदनान साहब के साथ। बेसिकली इनकी एक असाइनमेंट थी, एक रिक्वेस्ट थी कि कल जो है ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। किस हवाले से करने जा रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं, क्या मामला थे, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। कल बरोज़ इतवार ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान की जानिब से मासूम बच्चों के साथ तशद्दुद और नाज़ेबा हरकत सारंग शर्स जैसे दरिंदों के हवाले से कराची प्रेस क्लब पे कल हम मुजाहरा कर रहे हैं, पूरा मन मुजाहरा, जो कि कायदाबाद से दाव चुरंगी से होते हुए कराची प्रेस क्लब की तरफ रवाना होगा। SOPs का आप लोग ख्याल रखेंगे? बिल्कुल, SOPs का बिल्कुल ख्याल रहेगा, जिसमें हमारे जो ज़ेर क़यादत जो निगरानी जो कर रहे हैं वो डॉक्टर हाशिम सिंधियान चेयरमैन ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान है, वाइस चेयरमैन मैं खुद हूँ और सोहेल अरानी साहब हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए है, तमाम वालदेन के लिए हैं जिनके मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती हो गई है या हो रही है खुदा न खास्ता आंदा के लिए। तो मैं तमाम ऐसे लोगों से मुतालबा करता हूँ कि आइए कल हमारा साथ दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल भरपूर तरीके से मुजाहरा करना है। और हमारा ये मुतालबा है कि ऐसे असमत दरी के शिकार बच्चों को इंसाफ दिलवाया जाए और जो गुनाहगार हैं उनको सख्त से सख्त, अपने मेहमानों का मुस्तकबिल बचाने के लिए पूरी कौम की आवाज़ है। मासूम बच्चों को एक साथ जो नाज़ेबा हरकत कर रहे हैं लोग, नाम निहाद प्रोफेशनल ने बेड़ा गर्क करके रखा है जिसकी वजह से पूरी कौम शर्मसार है। ऐसे नाम निहाद प्रोफेशनल और अपने मासूम बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए हमारा ये मुतालबा है कि ऐसे दरिंदों को फांसी दी जाए। व्यूअर्स, ह्यूमन राइट्स आई एफ पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन राव अदनान साहब का यही कहना है कि आप लोगों ने निकलना होगा अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे ज़्यादती का निशाना बन चुके हैं उनके लिए निकलना होगा। अब आपने जो है SOP को ज़रूर फॉलो करना है, मास्क लगा के इस प्रोटेस्ट में शिरकत करनी है ताकि आज किसी और का बच्चा ज़्यादती का शिकार हुआ, कल को अल्लाह ना करे आपका बच्चा ज़्यादती का शिकार हो। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान रशीद।